नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी खुश हों, स्वस्थ हों, निरोग हों, इसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं पितृदोष होने के लक्षण। अगर हमारे परिवार में, हमारे जीवन में पितृदोष है तो कोई कार्य भी नहीं बनता और असफलता भी रहती है इत्यादि रूपों में। लेकिन पता कैसे करें कि आखिर पितृदोष है? खाने में अगर बार बार बाल निकल रहा है तो ये पितृदोष का लक्षण माना जाता है कि पितर नाराज हैं। और परिवार के लोगों का एक ना होना, विवाद होना, विवाह योग्य होने पर विवाह ना होना और हमेशा लड़ाई झगड़े का घर में माहौल भी रहना, नौकरी व्यापार आदि में लाभ ना होना, घर में किसी एक व्यक्ति का हमेशा बीमार अधिक से अधिक बने रहना, ऐसा लक्षण हो तो गाय आप को रोटी दान गुड़ खिला अवश्य ही सकते हैं, करें, पक्षियों को दाना इससे डालें आपका तथा पितृदोष आखिरी ऋण ऋण नष्ट कुत्ते होगा। को दें। ऐसा करने से, भगवान सूर्य को प्रणाम करने से, जल अर्पित करने से पितृदोष समाप्त होता है भगवान श्रीहरि के नाम के संकीर्तन से। तो आप इन शुभ कर्म को अवश्य ही अपने घर में सम्मिलित करें। ऐसा करने से पितृदोष नष्ट होगा। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। बहुत बहुत